नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्सलॉजी के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तिलक वेंचर लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो आज से इस कंपनी में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में यह कंपनी और कितना गिरेगा, जो लोग इस कंपनी को ऊपर लेवल पे बाई कर रखे हैं उनके लिए क्या डिटेल्स हो सकता है, या फिर जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट एनालाइज करके बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आप देखेंगे 1.71 रुपये जो कि इस कंपनी का 52 वीक लो हुआ करता था, कंपनी 54.40 रुपये तक गया था, लेकिन वहां से यह कंपनी गिरते हुए 19 रुपये के पास जाकर सपोर्ट लेता है और अगेन बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। और यह कंपनी अभी आप देखेंगे तो 30 रुपये के भी ऊपर निकल चुका है। तो देखते इस कंपनी का शॉर्ट टर्म का चार्ट क्या बनता है। दोस्तों, अगर डेली चार्ट पे इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो क्या हमें इस कंपनी को करंट प्राइस पे बाई करना चाहिए? मेरे ख्याल से थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए खुद को। अगर यह कंपनी 28 रुपये पे सपोर्ट लेकर अगेन बाउंस बैक करना स्टार्ट करता है तो फिर इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने की सोच सकते हैं। अगर यह कंपनी यहाँ से नीचे फिसलता है तो फिर 22 रुपये का इस कंपनी का एक और स्ट्रांग सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके बाद आप चाहें तो वहाँ पे भी इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है वो कंटिन्यू करें, पैनिक न करें, और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इंटर किया है अगर उन्हें 28 रुपये के पास निकलने का मौका मिलता है और यह कंपनी 28 रुपये का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे जाता है तो फिर आप चाहें तो इस कंपनी से निकल भी सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी में गिरावट आया क्यों? अगर इस बात की बात करें तो आप देखेंगे जब भी कोई शेयर गिरता है तो 50 का RSI उस कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल का काम करता है, और जब भी कोई कंपनी नीचे से गिरने के बाद जब बाउंस बैक करता है तो सेम लेवल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सपोर्ट में नहीं, रजिस्टेंस में। और सेम इस कंपनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, यानी कि 50 का RSI जो कि इस कंपनी को रजिस्टेंस फेस करा रहा है। अगर यह कंपनी इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर इस कंपनी में अगेन आपको तेजी देखने को मिलेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसीलिए लॉन्ग टर्म वालों को पैनिक नहीं करना चाहिए, वो कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म के लिए। अगर यह कंपनी और ज़्यादा करेक्ट होता है तो आप चाहे तो इस कंपनी में और ज़्यादा बाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि छोटा शेयर है तो इस शेयर में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, इस बात को कभी भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.